हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एम इग्नाइटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोड सीरीज़ हैज़ बीन स्टार्टेड एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड के ऊपर डिस्कस किया था, उसके टाइप्स के ऊपर डिस्कस किया था। सो नाउ इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स। तो चलते हैं, कुछ रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट यू स्टडी इन अ प्रीवियस क्लास। तो जैसा कि आप लोग पता है कि लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि जो आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स होता है उसको इनिशियली टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, पहले कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और दूसरा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो हमने इसे डिटेल में कल समझाया था कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं और क्या होता है, और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं और क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के ऊपर डिस्कस करूंगा और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के ऊपर मैं बात करूंगा, है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को कल मैं आप लोगों के साथ डिटेल में किया था, लेकिन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है दो कैटेगरी में, एक को कोटेड इलेक्ट्रोड कहते हैं और दूसरे को बार वायर इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इसी को हम लोग आज डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कंज्यूमेबल जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसे दो वर्गों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं कोटेड इलेक्ट्रोड, दूसरे को बोलते हैं बेयर वायर इलेक्ट्रोड। तो इस वीडियो में हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के अंदर जो कोटेड इलेक्ट्रोड और बेयर वायर इलेक्ट्रोड है इसे समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ बेयर वायर इलेक्ट्रोड एंड कोटेड इलेक्ट्रोड, है ना। इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कोटेड इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स लिख रखा है, इफ़ द मेटेलिक वायर या फिर रॉड इज कोटेड विथ फ्लक्सिंग मटेरियल इज कॉल्ड कोटेड इलेक्ट्रोड या फिर फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। कह रहा है कि यदि कोई मेटेलिक वायर है या फिर मेटेलिक रॉड है उसके ऊपर फ्लक्सिंग मटेरियल की कोटिंग की जाती है तो इस प्रकार के बने इलेक्ट्रोड को हम लोग कोटेड इलेक्ट्रोड या फिर फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक मेटल का रॉड है, मेटल का रॉड है या फिर वायर है ये अगर इसके ऊपर किसी भी प्रकार के फ्लक्सिंग मटेरियल की कोटिंग की गई, यानी कि फ्लक्सिंग मटेरियल का इसके ऊपर अगर लेप लग गया, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने फ्लक्सिंग मटेरियल का ऐसे अगर लेप लग गया, फ्लक्सिंग मटेरियल का अगर मान लीजिए ऐसे लेप लग गया, फ्लक्सिंग मटेरियल का अगर ये वाला हमारा फ्लक्सिंग मटेरियल है, ये हमारा फ्लक्सिंग मटेरियल है, तो इस प्रकार के जो बने रॉड को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये हमारा फ्लक्सिंग मटेरियल ऊपर, फ्लक्सिंग मटेरियल, और ये हमारा हो गया मेटेलिक रॉड या फिर मेटेलिक वायर, मेटेलिक रॉड या फिर वायर। अब इस मेटेलिक वायर या फिर मेटेलिक रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर वायर, कोर वायर, और इस फ्लक्सिंग मटेरियल को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लक्स, यूएक्स, है ना। इसी को हम लोग, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोटेड इलेक्ट्रोड क्या होता है, कि इस प्रकार का इलेक्ट्रोड जिसमें मेटेलिक रॉड के ऊपर यदि फ्लक्स की कोटिंग की जाती है तो उस प्रकार से बने इलेक्ट्रोड को हम लोग फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड या फिर कोटेड इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी कि किसी भी मेटेलिक रॉड के ऊपर, यानी कि धातु के एक रॉड के ऊपर अगर फ्लक्स का कोटिंग कर दिया जाता है तो उसे हम लोग कोटेड इलेक्ट्रोड कहते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा कोटेड इलेक्ट्रोड है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा मेटेलिक वायर है, यानी कि ये जो ये मेटल का एक रॉड है, ये पूरा मेटल का रॉड है, ये मेटल है, इसे हम लोग कोर वायर कहते हैं। और इस मेटल के ऊपर ये देखिए फ्लक्स का कोटिंग किया गया है, ये फ्लक्स है, देखिए फ्लक्स का लेयर चढ़ा हुआ है चारों तरफ से, तो इसे हम लोग फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोटेड इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। ठीक है, अब आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, यू फ्लक्स कोटेड, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें मेटेलिक रॉड के ऊपर फ्लक्स मटेरियल का लेयर चढ़ा होता है या फिर फ्लक्सिंग मटेरियल का कोटिंग किया गया रहता है, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड कहते हैं। सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं
और अब हम लोग बेयर वायर इलेक्ट्रोड को समझने की कोशिश करते हैं कि बेयर वायर इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये वाला चीज। तो इस पेज को हम ले लेते हैं, नया वाला पेज। इसमें देखिए मैंने लिख रखा है द मेटेलिक वायर विच इज नॉट कोटेड विथ फ्लक्सिंग मटेरियल, यानी कि वह मेटेलिक वायर जो फ्लक्सिंग मटेरियल के साथ कोटेड नहीं होता है, यानी कि जिसके ऊपर फ्लक्सिंग मटेरियल कोटेड नहीं होता है, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को बेयर वायर इलेक्ट्रोड कहते हैं। बेयर का मतलब ही होता है कि नंगा, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे किसी भी तरह का कोटिंग ना किया गया हो, यानी कि ये एक सिंपल सा ऐसा एक मेटेलिक वायर होता है, ऐसा एक मेटेलिक वायर होता है। ये देखिए ये एक सिंपल सा मेटेलिक वायर होता है, मेटेलिक वायर सिंपल सा, यानी कि ये देखिए ये मेरे पास एक बार वायर इलेक्ट्रोड है, ये एक मेटेलिक रॉड है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की फ्लक्सिंग मटेरियल की कोटिंग नहीं की गई है, आप लोग देख सकते हैं ये प्योर मेटेलिक एक रॉड है ना, इस पर किसी भी प्रकार के फ्लक्सिंग मटेरियल की कोटिंग नहीं की गई है। तो इस प्रकार के जो रॉड होते हैं, उस प्रकार की इस प्रकार के रॉड को हम लोग बेयर वायर मेटल इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये बेयर वायर मेटल इलेक्ट्रोड है या फिर बेयर वायर इलेक्ट्रोड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रकार का इलेक्ट्रोड या फिर वो मेटेलिक वायर या फिर वो मेटेलिक रॉड जिसके ऊपर किसी भी प्रकार के फ्लक्सिंग मटेरियल की कोटिंग ना की गई हो, उसे बेयर वायर इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी द मेटेलिक वायर विच इज़ नॉट कोटेड विथ फ्लक्सिंग मटेरियल इज कॉल्ड बेयर वायर इलेक्ट्रोड फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया, तो आप लोगों ने अब समझ ही गया होगा कि कोटेड इलेक्ट्रोड क्या होता है और बेयर वायर इलेक्ट्रोड क्या होता है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट के वीडियो में मैं इसके अनदर एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर अ काइंड अटेंशन।